पवन सिंह की शादी को हुए धीरे धीरे एक हफ्ता होने जा रहा है, पर रस्में हैं कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि अब कौन सी रस्म बाकी रह गई है, तो आपको बता दें कि पहली बार जब नई नवेली दुल्हन किचन में जाती है तो वो सभी के लिए कुछ न कुछ अच्छा बनाती है, खासकर घर के बड़े बूढ़ों और अपने पति के पसंद का खाना तो वो जरूर बनाती है और वही उसका टेस्ट होता है कि वो किचन के काम में कितनी निपुण है। तो भाई ज्योति की भी तो अग्नि परीक्षा होनी ही थी, यानी कि ये किसी भी स्त्री के लिए अग्नि परीक्षा से कम थोड़ी होता है जनाब। ज्योति गोरेगांव स्थित अपने फ्लैट में आ गई है और कुशल गृहिणी के तौर पर उन्होंने अपने घर का सारा काम संभाल लिया है। भले ही घर में नौकर चाकरों की कमी नहीं है, पवन के हर चीजों का ख्याल खुद ज्योति रखना चाहती है ताकि पति के साथ उन्हें ज्यादा से ज्यादा वक्त मिल सके। पवन के बिजी शेड्यूल होने के कारण वो पवन के खाने पीने का और हर चीजों का खुद ही ख्याल रख रही है। वेल डन ज्योति। जब घर में बहुभोज यानी कि जब नई नवेली दुल्हन घर में पहली बार खाना बनाने जाती है तो उसे बहुभोज कहा जाता है। ज्योति ने सारा खाना सभी की पसंद का बनाया, लेकिन जब पवन के पसंद के खाने की बारी आई तो पवन के लिए ज्योति ने खासकर खीर बनाई। वैसे आपको बता दे कि पवन को खीर बहुत पसंद है और फिर उसके बाद उनकी पसंद का बाटी चोखा बनाया। बताया जा रहा है कि सभी ने बहुभोज का खाना बड़े ही प्यार से खाया। बात करें पवन सिंह की तो पवन सिंह को भी ये खाना काफी लजीज लगा होगा, क्योंकि जब कोई प्यार से किसी के लिए खाना बनाता है तो उसके प्यार की मिठास हमेशा उस खाने में आ जाती है। खैर जो भी हो, ज्योति परफेक्ट वाइफ बनने की पूरे फर्ज निभा रही है। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलिए।